पेट्रोल पंप के मालिक और जिला परिषद प्रतिनिधि को यहां पर अपराधियों द्वारा गोली मार दिया गया। ये वही जगह है जब गोली चलाया गया है, तो इस गाड़ी पर भी लगा है और इस गाड़ी पर, ये वही सिवान जिला है जहां पर प्रतिनिधि इस समय दहशत के साए में जी रहे हैं। अपराधी घर में घुस कर प्रतिनिधियों को मार रहे हैं। आम आदमी का बाइक बाइक से आए हुए थे, यहाँ बकरियों चला रहे थे, गोली थी आगे, सिगरेट उधर। दहशत में जी रहे प्रतिनिधियों के जिले सिवान जिले में इस समय उपस्थित है और सिवान जिले के हुसैनगंज का हबीब नगर गांव का एरिया है और यहां पर बीते कल दिन में यहां पर पेट्रोल पंप के मालिक और जिला परिषद प्रतिनिधि को यहां पर अपराधियों द्वारा गोली मार दिया गया। ये वही जगह है, आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर अपराधी ताक में बैठे हुए थे और वो अपने पेट्रोल पंप से यहाँ पर घर की तरफ जा रहे थे खाना खाने के लिए और यहाँ पर बैठे अपराधियों द्वारा उन्हें गोलियों से भून दिया गया। लगभग 5 से 6 गोलियां लगी है, अभी उनका इलाज चल रहा है, रेफर हो चुके हैं और गांव में भी चलेंगे, वहां पर भी घर वालों से बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कल 2 बजे की घटना बताई जा रही है, लेकिन 2 बजे इस रोड पर उस समय कोई भी नहीं था। यहाँ पर आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि आए दिन यहाँ पर बच्चों की भीड़ लगी रहती है, 4-5 बच्चे यहाँ पर बैठे रहते हैं, लेकिन कल 2 बजे दिन में यहाँ पर कोई भी नहीं था। वो अपने पेट्रोल पंप से 2 बजे करीब में घर खाने के लिए चले, लेकिन यहाँ पर अपराधियों द्वारा गोलियों से भून दिया गया। ये वही सिवान जिला है जहाँ पर प्रतिनिधि इस समय दहशत के साए में जी रहे हैं। अपराधी घर में घुस कर प्रतिनिधियों को मार रहे हैं। आम आदमी का बात छोड़िए, पुलिस प्रशासन कहीं भी जा रही है, जांच में डाल दे रही है और उसके बाद अपराधी को छोड़कर किसी और को पकड़कर जेल में डाल रही है। इसीलिए अपराधी का मन यहां पर बढ़ता नजर आ रहा है। सिवान जिले में अपराधी जहां न तहां गोली चलाते नजर आ रहे हैं और टारगेट वो लोग ज्यादा प्रतिनिधि को ही बना रहे हैं। जिला परिषद इनकी पत्नी है, अरे सरपंच है, पूर्व सरपंच है, पूर्व सरपंच है, अभी सरपंच सरपंच जी कहा, पूर्व सरपंच है हरिलाल गुप्ता, इनका पत्नी अमृता देवी यहाँ का जिला परिषद है, क्षेत्र संख्या 11 हुसैनगंज की। अपराधियों ने यहाँ के गोली चलाई, यहाँ पर 5-6 गोली लगाए, 1-2 गोली पेट में लगाए, 1 गोली पैर में लगा और फरार हो चुके हैं, फरार हो चुके हैं। आप मौके पर गया, उसके बाद इलाज करने के लिए सिवान से रेफर हुआ, अपना इलाज चल रहा है, कल का ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहा है, गोली निकल गया, दवा चल रहा है, बोल रहे हैं, वो कुछ पता नहीं है कहाँ का, हेलो कहाँ का ना, वो भी चीन जो उनके साथ है वो पहचान नहीं पाए कहाँ का था कहाँ का नहीं। 3 अपराधी आए थे, पुराना बाइक है, इतना बाइक से आए हुए थे, इधर आके औरत यहाँ बकरियों चला रही थी, वो बोली थी इधर आके बकरियों थी आगे सिगरेट उधर पी रहा था सब पुल पर बैठ कर। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 हुसैनगंज से जीती हुई प्रत्याशी अमृता देवी के पति थे, अरे उन्हीं का घर है। इस समय घर पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर गाँव के लोग इकट्ठा हुए हैं। इनके बारे में आप क्या जानते हैं, कैसे आदमी? बहुत स्वाभाविक आदमी थे, सामाजिक आदमी थे, सबके साथ हंसना बैठना खेलना रहता था और कि कोई किसी का भी कितना होगा रात का कोई प्रॉब्लम होता था तो एकदम चले जाते थे। फिर से गाँव के हैं या इनके कुछ नहीं, हम घर के ही हैं, घर के बगल मेरा घर है। दुश्मनी क्या हो सकती है, राजनीति क्या, कोई आपसी विवाद, जमीनी विवाद, ऐसा इस तरह का तो कोई अभी मतलब नहीं निकला है। क्या क्या वर्चस्व को ये हो सकता है, बढ़ते हुए वर्चस्व को लेकर हो सकता है दुश्मनी? नहीं, इस तरह का तो कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी। पेट्रोल पंप भी था उनका, पार्टनरशिप में पेट्रोल पंप चलता है, पेट्रोल पंप से ही आ रहे थे करीब 7:15 बजे, है ना, घर के लिए आ रहे थे तो रास्ते में उनकी ऐसी स्थिति है। इस समय तो स्थिति तो ठीक है, हालत नाजुक है, इस समय पटना क्या बोल रहा राजेश्वरी मेला चलता है और जो 2 गोली उनके बॉडी में फंसा हुआ था तो अभी वहाँ पत्थर निकल गया, 5 गोली। हाँ, ये 2 ये कुल्हा पर लगा था, एक कमर से ऊपर रीढ़ के 2 इंच बगल में लगा था और 2 जो था वो पैर में लगा था। यही वो गाड़ी है जिस गाड़ी से पेट्रोल पंप से घर पर आ रहे थे खाना खाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं जब गोली चलाया गया है तो इस गाड़ी पर भी लगा है और इस गाड़ी पर उस ब्लड का भी चिन्ह है। गोली लगने के बाद जो ब्लड बॉडी से गिरा था वो गाड़ी पर यहाँ पर गिरा हुआ है। घायल होने के बाद आसपास के लोग गाड़ी घर पर लेकर चले आए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक घर पे नहीं पहुंची है, लेकिन घटनास्थल पर भारी संख्या में कई थाने की पुलिस पहुंची हुई थी और वैसे हर जगहों पर जैसे छानबीन चलता है वैसे ही अब जुट चुकी है। यही वो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, यही वो पार्टनरशिप में पेट्रोल पंप चलाते थे और यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है
और यहाँ पर देख सकते हैं कर्मचारी काम करते थे। कितने बजे यहाँ से गए थे भाई साहब? भैया हम कल गए थे, काम करने दीजिए ना हमको, आप यहाँ पर हम कल पटना गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं कल जो स्टाफ था आज नहीं आए हुए हैं, और यहाँ पर कोई मालिक भी नहीं है, जो पार्टनर था वो भी इस समय नहीं है। अब चलिए, जो सच्चाई थी हर जगहों पर ले जाकर दिखा दिए। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह दबंग 24 से, धन्यवाद।